वॉइस ओवर डालना पड़ेगा आपको, कोई चला चलाते बने ही नहीं मेरे से ना। इधर की ले लो, क्या कर रहा है, गंदी चीजें कर रहा है तो वहां खड़े हो। Thank you.
घर में लोग रहते नहीं रहते भाई, कितने जाएगा उधर बाजार है, अच्छा खासा बड़ा है ना। यही बात है। वाइन को आइडिया है ना, चढ़ाई स्टार्ट होती है। बिग बॉल खोल कर जा, टैंक की फिर मेरी टैंक की फुल पहुँच चुके थे, फिल्म नहीं कर पाए क्योंकि गाड़ी मैं चला रहा था। और अभी नौराधार से हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं चूड़धार की, आपको ऊपर आना है और यहाँ से जाना है, और ये 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। हम लोग पता नहीं बीच में कहीं पहुँच चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर हो चुका है हमें चलते हैं। ये मेरे दोस्त दो ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद एक और, उसके बाद दूसरा पहाड़ आएगा उधर और ऊपर जाना, और वहाँ कहीं नीचे से हम बहुत नीचे से आ रहे हैं। और ये हिमालयन पूरी बेल्ट है नौराधार की, और अभी चूड़धार जा रहे हैं। हमने विकास भाई ने बैग पकड़ रखा हमारे, और काफी हैवी बैग है, ऐसे नहीं। देखिए दोस्तों वहाँ पे वो पहाड़ उधर से नीचे से हिमालयन, आउटर हिमालयन की बेल्ट है, और नीचे कहीं से रोड जा रहा है, और पता नहीं कहाँ से तो हम आए हैं। हमारे इस तरफ, हम उस तरफ से नीचे से तरफ से आए हैं। किस्मत थी कि वेदर काफी अच्छा है यहाँ पे, नहीं तो कल हम जब यहाँ आए हैं दिल्ली से तो पूरी की पूरी बारिश होती रही है, पूरी देर 4-5 घंटे यहाँ पे बारिश हुई है। हम लोग शाम को 6-7 बजे पहुँचे थे, और बारिश भी ऐसी नहीं, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल था और तूफान चल रहा था। हमें नहीं लगा था कि वेदर ठीक होगा, लेकिन सुबह सुबह धूप निकल गई थी, तो इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे यहाँ पे। स्टिल अभी अभी हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे तो लगेंगे ही टॉप पे पहुँचने में, उसके बाद बीच बीच में जो भी सीनिक व्यू रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। आपको ऐसे रास्ते मिलेंगे जब भी आप चूड़धार ट्रैक के लाएंगे, गांवों के बीच में से, जंगलों के बीच में से ये रास्ते निकलते हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पूरी आउटर हिमालयन की बेल्ट है, आप यहाँ आ भी सकते हैं और काफ़ी अच्छा एडवेंचर आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं हिमालय के रॉ लाइफ कैसी होती है। ये देखो पूरा ऐसा है ट्रैक,
अभी हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर हो चुके हैं नीचे से। 7:30 हमने स्टार्ट करा था और 9:30 कुछ हो रखे हैं। 4 किलोमीटर हमने कर लिए 2-2.5 घंटों में। पानी भरने के लिए रुके हैं झरने पे और अभी भी कम से कम 12-15 किलोमीटर ऊपर बाकी है। जंगलों के बीच में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरी की पूरी। और वेदर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। अंदर से आने चले। चूड़दार ट्रैक के हम पहले बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। ये रहा पहला ग्राउंड भी कहते हैं इसे। यहाँ पे खाने की फैसिलिटी, रहने की फैसिलिटी है, बट हम लोग एक ही दिन में ट्रैक पूरा करेंगे। अप डाउन का पहले आज ही अप डाउन का हमारा प्लान है, बट देखते हैं कैसे होता है। ये देखो सेकंड पड़ाव से हम लोग निकल चुके हैं बेस कैंप 2 से। अब रास्ते में जा रहे हैं, अभी 6 किलोमीटर हमने कर लिए, 12 किलोमीटर और रहते हैं। और वेदर अभी तक तो ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ट्रैक थोड़ा ऊपर नीचे हो रखा है। दिखाता हूँ, वो जा रहा हमारा दोस्त कमल, विकास भाई ओके हैं। कमल की हालत खराब है, बाकी रोड देखो ऐसे ऐसे जाना है। जंगलों के बीच में से पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये हमारे रवि भाई जो कि
बहुत ही मेहनत करके ऊपर चढ़ रहे हैं। इनमें भी पूरा जोश भरा है। लेकिन बोले बोले कि आसना इसमें अभी भी है, ऊपर तक जाएगा। लो बोले का नाम। चलो ये हमारे पिट्ठू उठाने वाले भाई मिस्टर रवि नरवाल। मैं हूँ बल्लू द पोर्टर, रवि पोर्टर, जो कि अपने को बल्लू द पोर्टर बता रहे हैं। ये लगता है आने वाले टाइम में कमांडो जरूर बनेंगे। और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अरे हमारे कमल भाई जो कि बहुत ही लगन से चढ़ रहे हैं। आजो भाई, आजो। आजो। लेके चले। जिसमें आसना होगी वही पहुंचेगा। आसना तो सब में है भाई। नहीं यहाँ पे वैसे पूरे ट्रैक पे हमें 3-4 घंटे से ऊपर हो गया है, कोई भी नहीं है हमारे टीम के अलावा पूरे ट्रैक पे। बारिश का मौसम है, कीचड़ देखो। अरे हम काफी देर से देख रहे हैं, जैसे कि हमें कोई रास्ते में दिखाई नहीं दे रहा है। कोई भी नहीं दिख रहा, कोई भी व्यक्ति अभी तक हमें मिला नहीं है। केवल हम तीन ही अभी जो नौराधार से हम तीन ही चल रहे हैं अभी तक, कोई नहीं। अभी हम तीन ही बंदे हैं जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये दस किलोमीटर कर लिए नौराधार से, और देखो हालत फुल स्वेटिंग हो रही है, और टेम्परेचर अभी भी 8 डिग्री से कम है, 8 डिग्री, उसके बाद भी स्वेटिंग हो रही है, ठंड भी लग रही है। ये विकास भाई हैं और मैं हूँ पोर्टर। बैग देखो पीछे। चलो आगे चलो। अभी भी यहां से ट्रैक अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर रहता है। सेकंड बेस कैंप आएगा यहां का चूड़दार का, अभी अप्रोक्सीमेटली वो 1-2 किलोमीटर रह रहा है, और फुल देखो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पे हमें 3 लोग दिखे, हमारे अलावा हम भी 3 हैं जो उतर रहे थे, उसके अलावा कोई नहीं है। पूरा सुनसान जंगल है, पूरा सुनसान जंगल, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। अभी यहाँ से सिर्फ हम लोग हैं, मॉर्निंग से चल रहे हैं, पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा,
और वेदर बादलों के अंदर चल रहे हैं हम लोग। बस सेकंड बेस कैंप पे पहुंच गए, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ये देखिए बादल भी नीचे जा चुके हैं। सेकंड बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं चूड़दार ट्रैक के, और अब यहां से अप्रोक्सीमेटली 6 किलोमीटर रह गया है मंदिर। नीचे से हमें अप्रोक्स 12 किलोमीटर हो चुके हैं, और ये छोटा सा बेस कैंप है, यहां पे आप रुक सकते हैं, दुकानें हैं थोड़ी सी, आप खाना पीना कर सकते हैं, और यहां पे यदि थक जाएं तो आप यहां स्टे भी ले सकते हैं। और यहां से अभी आपको व्यू दिखाता हूं पूरा वैली का। टूरिस्ट तो है ही नहीं, यहाँ टूरिस्ट आते भी नहीं है, सिर्फ लोकल बंदे आते हैं। ये देखो बादल आ चुके हैं, वेदर ओके ओके है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है। ये देखो ऊपर, ये रहा, उससे भी ऊपर जाना है, अभी पीछे घूम के पीछे पहाड़ी बादलों के पीछे दिख नहीं रही है।